हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने नहीं, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उन्हीं के तरीके से। इस रेसिपी के लिए उन्होंने देसी खीरे लिए हैं। हम जो खीरे खाते हैं उनसे ये खीरे बड़े ही होते हैं और इन खीरों से सब्जियाँ बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दो खीरे लिए हैं और साथ ही एक आलू, फिर इनको छीलकर इनके पीसेस कर लिए हैं। फिर उन्होंने मछलियों को फ्राई कर लिया है। इन मछलियों को पापड़ा मछली या बटर फिश कहते हैं। इन मछलियों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, बात करते करते फिश भी फ्राई हो चुकी है। अब इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने उसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है। ट्रेडिशनली इस रेसिपी में सरसों का तेल यूज किया जाता है। आप भी अगर चाहें तो सरसों का ऑयल यूज कर सकते हैं, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके बाद तड़के के लिए उन्होंने सूखी लाल मिर्च, सरसों के दाने और जीरा इनका तड़का लगा दिया है और साथ ही सब्जियों को भी डाल दिया है। इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इन सबको एक एक चम्मच करके उन्होंने डाल दिया है। साथ ही एक दो हरी मिर्च डालकर भी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है उन्होंने। इसके बाद सब्जियों को थोड़ी देर ढककर पकाना है। फिर थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर सब्जियों को चम्मच से चला लेना है। इसके बाद उन्होंने एक बार सब्जियों को चेक कर लिया कि सब्जियां थोड़ी सी पकी है कि नहीं। चेक करने के बाद फिर उन्होंने सब्जियों में गर्म पानी मिला दिया है। जरूरी नहीं कि गर्म पानी ही डालना है, आप अगर चाहे तो नॉर्मल पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद फ्राई किए हुए फिश को उन्होंने सब्जियों में डाल दिया है और इसके बाद उन्होंने लास्ट में सब्जियों में धनिया पत्ती मिक्स कर लिया है। ये धनिया पत्ती वो धनिया पत्ती नहीं जो इजीली मार्केट में मिल जाता है, जिसका हम जनरली सब्जियों में यूज करते हैं। ये धनिया पत्ती थोड़ी सी अलग है, इसकी खुशबू भी अलग है। इन्हें विलायती धनिया पत्ती या फिर लॉन्ग कोरिएंडर कलेंट्रो भी कहा जाता है। तो रेसिपी तैयार है। ये रेसिपी भले ही सिंपल सी बनती है लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है। मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, तो ऑफ कोर्स आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी।